गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनु यादव, योर जीके टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ फ्रॉम एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस आवर चैप्टर नंबर 8. इट इज प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इंडिया में काफी सारे प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं पास्ट में. सो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं. स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर में काफी सारी पिक्चर्स गिवन है, डिफरेंट प्रेसिडेंट्स की पिक्चर गिवन है. हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और साथ में उनका नेम राइट करना है. जो हमारे पास गिवन स्पेस है उसमें हमें नेम राइट करना है कि ये कौन से प्रेसिडेंट की पिक्चर है. स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज चैप्टर. स्टूडेंट्स, लेट्स सी अवर चैप्टर नंबर 8, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. स्टूडेंट्स, हमारे पास फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो हमारे इंडिया के पहले पास्ट में प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं. उनकी पिक्चर्स हमारे पास गिवन है. उन प्रेसिडेंट्स को हमें पहचानना है, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनका नेम लिखना है. लेट्स स्टार्ट. अवर फर्स्ट पिक्चर इज, आप देख सकते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन की पिक्चर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हमारे पास पिक्चर गिवन है. सो राइट हेयर डॉक्टर डी आर डॉक्टर, डॉक्टर के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है. देन राजेंद्र प्रसाद, आर ए जे ई एन डी आर ए राजेंद्र, पी आर ए एस ए डी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सेकंड पिक्चर जो हमारी है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पिक्चर है, गिवन है हमारे पास. लिखेंगे डी आर डॉक्टर एस ए आर वी ए पी ए डबल एल आई सर्वपल्ली, आर ए डी एच ए राधा के आर आई एस एच एन ए एन कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन. आई रिपीट द स्पेलिंग, डी आर डॉक्टर एस ए आर वी ए पी ए डबल एल आई सर्वपल्ली, आर ए डी एच ए राधा के आर आई एस एच एन ए एन कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन. थर्ड इज, जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी आर डॉक्टर जेड ए के आई आर जाकिर एच यू डबल एस ए आई एन हुसैन, एच यू डबल एस ए आई एन हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन. फोर्थ इज, जो हमारे पास फोर्थ पिक्चर गिवन है हमारे चैप्टर में, वो है वी वी गिरी. वी के बाद फुल स्टॉप लगाना है, फिर कैपिटल वी लिखना है, उसके बाद फुल स्टॉप, देन जी आई आर आई गिरी, वी वी गिरी. फिफ्थ इज फखरुद्दीन अली अहमद, एफ ए के एच आर यू डबल डी आई एन फखरुद्दीन अली ए एल आई अली ए एच एम ए डी अहमद. आई रिपीट द स्पेलिंग, एफ ए के एच यू आर डबल डी आई एन फखरुद्दीन ए एल आई अली ए एच एम ए डी अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद. सिक्स्थ पिक्चर इज, हमारे पास जो सिक्स्थ पिक्चर गिवन है वो है नीलम संजीव रेड्डी, एन डबल ई एल ए एम नीलम एस ए एन जे डबल ई वी ए संजीव आर ई डबल डी वाई रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी. रिपीट द स्पेलिंग, एन डबल ई एल ए एम नीलम एस ए एन जे डबल ई वी ए संजीव आर ई डबल डी वाई रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी. जो हमारे पास सेवंथ पिक्चर गिवन है वो है जी आई ए एन आई जेड ए आई एल एस आई एन जी एच गनाई जेल सिंह, जी आई ए एन आई गिनी जेड ए आई एल जेल एस आई एन जी एच सिंह, गिनी जेल सिंह. नेक्स्ट है एट्थ नंबर पे आर वेंकटा रमन, आर के बाद फुल स्टॉप लगाना है, वी ए एन के ए टी ए वेंकटा आर ए एम ए एन रमन, आर वेंकटा रमन, आर वी ए एन के ए टी ए वेंकटा आर ए एम ए एन रमन. लास्ट वन, नाइन्थ वन पिक्चर हमारे पास गिवन है डॉक्टर
शंकर दयाल शर्मा, डी आर डॉक्टर एस ए एन के ए आर शंकर डी ए वाई ए एल दयाल एस एच ए आर एम ए शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा डी आर डॉक्टर एस ए एन के ए आर शंकर डी ए वाई ए एल दयाल एस एच ए आर एम ए शर्मा। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट आवर पास्ट प्रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। हमारे जो पास्ट में प्रेजिडेंट्स रह चुके हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ रह चुकी हैं, उनके बारे में हमने आज डिस्कस किया है, उनका नेम लिखा है, उनको आइडेंटिफाई किया है और उनका नेम लिखा है। स्टूडेंट्स, आपको अपनी बुक में सुंदर राइटिंग में ऐसे ही जैसे मैंने वर्क कराया है बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको अपनी नोट इसमें बुक में राइट करना है, नीट एंड क्लीनली राइट करना है और साथ में आपको ये लर्न भी करना है। स्टूडेंट्स, आप डिफरेंट प्रेजिडेंट्स की पिक्चर कलेक्ट कर सकते हैं अपनी लास्ट ईयर बुक में से एंड पेस्ट देम इन योर फेयर नोटबुक एंड मेंशन देयर नेम्स। जैसे कि मैंने नेम्स मेंशन किए हैं, ऐसे ही आपको नेम मेंशन करना है अपनी पुरानी बुक या फिर गूगल से नेट से कहीं से भी आप पिक्चर कलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रेजिडेंट्स की और उनको फेयर नोटबुक में पेस्ट करना है, देन उनका नेम लिखना है सुंदर राइटिंग में। आई होप यू अंडरस्टैंड आवर टॉपिक प्रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। आपको ये अच्छे से समझ आया है एंड ऑल्सो लर्न इट। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मंजिता यादव योर एसएसटी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट योर एसएसटी क्लास ऑनलाइन फॉर क्लास फिफ्थ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लास फिफ्थ है इसके अंदर हमने अपना चैप्टर फिफ्थ बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 13 के डिफिकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो ये चैप्टर है, हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसके बाद हमारे सिलेबस में हमारा चैप्टर नंबर 13 है, हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया का जो हेरिटेज है, धरोहर है, उनके बारे में हम रीड करेंगे। सो टुडे वी विल डू दिस चैप्टर डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसके अंदर फर्स्ट हमारा डिफिकल्ट वर्ड है हेरिटेज, एच ई आर आई टी ए जी ई, हेरिटेज। सेकेंड है आर्टिफैक्ट्स, ए आर टी ई एफ ए सी टी एस, आर्टिफैक्ट्स। थर्ड हमारा है ए आर सी एच आई टी ई सी टी यू आर ई, आर्किटेक्चर, ए आर सी एच आई टी ई आर सी टी यू आर ई, आर्किटेक्चर। फोर्थ है मोनूमेंट्स, M O N U M E N T S, मोनूमेंट्स। फिफ्थ हमारा है फाउंडेशन, F O U N D A T I O N, फाउंडेशन। सिक्स्थ हमारा है कंस्ट्रक्शन, C O N S T R U C T I O N, कंस्ट्रक्शन, C O N S T R U C T I O N, कंस्ट्रक्शन। सेवन्थ है ट्रेडिशनल, T R A D I T I O N A L, ट्रेडिशनल। एट्थ है अपॉर्चुनिटी, O डबल P O R T U N I T Y, अपॉर्चुनिटी। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं इनको आपको फिर से रिपीट करवाती हूँ। फर्स्ट क्या है, हेरिटेज, एच ई आर आई टी ए जी ई। सेकंड आर्टिफैक्ट्स, ए आर टी ई एफ ए सी टी एस, आर्टिफैक्ट्स। थर्ड है आर्किटेक्चर, ए आर सी एच आई टी ई सी टी यू आर ई, आर्किटेक्चर। फोर्थ है मोन्यूमेंट्स, एम ओ एन यू एम ई एन टी एस, मोन्यूमेंट्स। फिफ्थ है फाउंडेशन, एफ ओ यू एन डी ए टी आई ओ एन, फाउंडेशन। सिक्स हमारा है कंस्ट्रक्शन, सी ओ एन एस टी आर यू सी टी आई ओ एन, कंस्ट्रक्शन। सेवन्थ है ट्रेडिशनल, टी आर ए डी आई टी आई ओ एन ए एल, ट्रेडिशनल। एट्थ है अपॉर्चुनिटी, ओ डबल पी ओ आर टी यू एन आई टी वाई, अपॉर्चुनिटी। हमारा जो नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स क्या है, फर्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है हेरिटेज, एच ई आर आई टी ए जी ई, हेरिटेज मीन्स धरोवर। सेकंड है रिप्रेजेंट, आर ई पी आर ई एस ई एन टी, रिप्रेजेंट मीन्स होता है प्रतिनिधित्व करना।
थर्ड है आर्टिफैक्ट्स, ARTEFACTS। आर्टिफैक्ट्स मीन्स प्राचीन कलाकृति, पुराने समय में जो कलाकृतियां होती थी उनको क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट्स। फोर्थ है मिनिएचर, MINIATURE। मिनिएचर मीन्स होता है लघु रूप किसी चीज का, छोटा रूप। फिफ्थ है ट्रेडिशनल, TRADITIONAL। ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत, परंपरा, ट्रेडिशनल मीन्स परंपरा। सिक्स्थ, ट्रेडिशन जो होता है वो होता है पुराने समय से जो परंपरा चली आती है, जो रीति रिवाज चले आते हैं उनको क्या कहते हैं, परंपरा। सिक्स्थ हमारा है फाउंडेशन, FOUNDATION। फाउंडेशन मीन्स होता है स्थापना। सेवन्थ है आर्किटेक्चर, ARCHITECTURE। आर्किटेक्चर मीन्स होता है वास्तुकला। एट है मोन्यूमेंट्स, MONUMENT। मोन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक, जो पुराने जो बिल्डिंग्स है वो क्या कहलाती हैं, मोन्यूमेंट्स कहलाती हैं, स्मारक। नाइन्थ है कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION। कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण। टेंथ है अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। बेटा मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर, मतलब वो करवाती, इसको रिपीट करवाती हूँ। फर्स्ट है हमारे वर्ड मीनिंग हेरिटेज, HERITAGE। हेरिटेज मीन्स धरोहर। सेकंड है रिप्रेजेंट, REPRESENT। रिप्रेजेंट मीन्स प्रतिनिधित्व करना। थर्ड हमारा है आर्टिफैक्ट्स, ARTEFACTS। आर्टिफैक्ट्स मीन्स प्राचीन कलाकृति। फोर्थ है मिनिएचर, MINIATURE। मिनिएचर मीन्स होता है लघु रूप। फिफ्थ है ट्रेडिशनल, TRADITIONAL। ट्रेडिशनल मीन्स परंपरा। सिक्स हमारा है फाउंडेशन, FOUNDATION। फाउंडेशन मीन्स स्थापना। सेवन्थ है आर्किटेक्चर, ARCHITECTURE। आर्किटेक्चर, मैं इस स्पेलिंग को फिर से रिपीट करती हूँ, ARCHITECTURE। आर्किटेक्चर मीन्स वास्तुकला। एट है मोन्यूमेंट्स, MONUMENT। मोन्यूमेंट मीन्स स्मारक। नाइन्थ हमारा है कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION। कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण। टेंथ है अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 13 डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग। डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो लर्न एंड राइट दिस डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग। यूर फेयर नोटबुक शुड बी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई रश्मि मैम, योर साइंस टीचर फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट आवर साइंस क्लासेस विद द क्लास फिफ्थ। ओके, इन क्लास फिफ्थ लेसन 7 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ओके, सो टुडे वी विल डू वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मीन्स क्या होता है, दुर्घटना। नेक्स्ट सेफ्टी, सुरक्षा। नेग्लिजेंस, लापरवाही। ओके, डेस्टिनेशन, मंजिल। ब्रिज, पुल। ओके, नेक्स्ट क्रैकर्स क्या होते हैं, पटाखे। प्रिक मीन्स क्या होता है, चुबाना। ओके, नेक्स्ट ब्लिस्टर क्या होते हैं, छाले। सिंथेटिक मीन्स क्या होता है, कृत्रिम। नेक्स्ट इज हजार्डस मीन्स क्या होता है, खतरनाक। नाउ लेट्स वी रिवाइज दिस वर्ड मीनिंग। फर्स्ट इज एक्सीडेंट, दुर्घटना। सेफ्टी, सुरक्षा। नेग्लिजेंस, लापरवाही। ओके, डेस्टिनेशन, मंजिल। ब्रिज, पुल। क्रैकर्स, पटाखे। प्रिक, चुबाना। ब्लिस्टर, छाले। सिंथेटिक, कृत्रिम। हजार्डस,
खतरनाक। ओके सो स्टूडेंट्स, वर्ड मीनिंग ऑफ लेसन 7 इज कंप्लीटेड। यू विल राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर पेयर नोटबुक ऑफ साइंस एंड लर्न ऑल्सो। ओके डू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 ऑन पेज नंबर 66. ओके सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन वर्ड फॉर दी फॉलोइंग। आपको वन वर्ड में आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। फर्स्ट इज दिस क्लोथ कैच फायर इजिली। कौन सा कपड़ा है जो जिसमें आग जल्दी पकड़ लेती है, तो कौन सा है, सिंथेटिक क्लोथ्स। नेक्स्ट फोन नंबर टू बी डायल इन केस ऑफ ए फायर। अगर आग लग जाती है तो कौन सा फोन नंबर डायल करना चाहिए, 101। नेक्स्ट क्वेश्चन द इमीजिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। जल्दी से जो शीघ्र हेल्प की जाती है जिसको चोट लग जाती है उस इंजर्ड पर्सन को, तो उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। डॉक्टर टू बी विजिटेड अपॉन अ फ्रैक्चर। कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब हमें फ्रैक्चर हो जाता है, हमारी बोन ब्रेक हो जाती है, तो उस डॉक्टर का क्या नाम होता है, ऑर्थोपेडिस्ट के पास। नेक्स्ट रूल्स मेड फॉर द सेफ्टी ऑफ कम्यूटर्स। जो रोड पे चलते हैं उनके लिए कौन से रूल्स बने हुए होते हैं, ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। फर्स्ट वी शुड यूज द लिफ्ट व्हेन देयर इज अ फायर इन ऑर्डर टू इवैक्यूएट द बिल्डिंग फास्ट। जब बिल्डिंग में फायर, आग लग जाती है, तो हमें लिफ्ट से जाना चाहिए, हमें कहाँ से जाना चाहिए, स्टेयर्स से। सो दिस इज फॉल्स। वी शुड यूज अ स्लिंग इन केस ऑफ ए फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के केस में हम स्लिंग का यूज करते हैं सपोर्ट के लिए, सो दिस इज ट्रू। वी शुड प्रिक ब्लिस्टर व्हेन देयर इज अ बर्न। जब हमारी किसी भी बॉडी के पार्ट में बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो जब ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, उनको प्रिक करना चाहिए, फोड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए प्रिक, सो दिस इज फॉल्स। वी शुड वॉक टूवर्ड्स अवर लेफ्ट ऑन दी रोड। हमें कहाँ पे, अपने रोड पे जब हम चलते हैं तो लेफ्ट में चलना चाहिए, ट्रू। फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट पेडेस्ट्रियंस शुड क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट इज। जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं वो रोड क्रॉस करते हैं, कब करते हैं, जब लाइट कैसी होती है, ग्रीन फॉर देम। एंड डैश फॉर द व्हीकल ड्राइवर। व्हीकल ड्राइवर कब करते हैं क्रॉस, जब रेड लाइट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट वियर डैश क्लोथ्स वाइल बर्निंग क्रैकर्स। जब हम क्रैकर्स बर्न करते हैं, पटाखे चलाते हैं, तो हमें कौन से क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, तो कौन से नहीं पहनने चाहिए, सिंथेटिक क्लोथ्स, क्योंकि उसमें आया जो फायर होती है वो जल्दी से कैच कर लेती है। इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट और फायर स्विच ऑफ द डैश। जब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लघु परिपथ हो जाता है, तो हमें क्या स्विच ऑफ कर देना चाहिए, मेन स्विच, जो भी मेन स्विच होता है। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द, हमें हमेशा रोड क्रॉस कहाँ से करना चाहिए, जीब्रा क्रॉसिंग से। ओके जो वाइट और ब्लैक लाइंस होती है वहाँ से। डैश इज अ क्रैक इन द बोन। जब बोन में क्रैक और ब्रेक हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्चर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट इज ट्रैफिक रूल्स आर मेड फॉर द सेफ्टी ऑफ। जो ट्रैफिक रूल्स बने होते हैं, यातायात के नियम, वो किसकी सेफ्टी के लिए होते हैं, कम्यूटर्स, जो भी पैदल चलते हैं, ठीक है, जो भी रोड पे चलते हैं। वाइल बर्निंग क्रैकर्स वी शुड वियर। जब हम क्रैकर्स पटाखे चलाते हैं तो हमें क्या पहनना चाहिए, तो क्या पहनना चाहिए, कॉटन क्लॉथ्स, दिस इज करेक्ट। इन केस ऑफ फायर कोज्ड बाय पेट्रोल थ्रो। जब उस ऐसे केस में जब फायर, आग जो है पेट्रोल से लगती है, तो हमें क्या फेंकना चाहिए, सैंड एंड मड, मिट्टी कीचड़ डालनी चाहिए। व्हेन देयर इज ए क्रैक और ब्रेक इन द बोन ऑफ आवर बॉडी वी शुड गो टू अ। जब हमारी बॉडी में, बॉडी की किसी भी बोन में ब्रेक हो जाता है, टूट जाती है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए, ऑर्थोपेडिस्ट के पास, दिस इज द डॉक्टर ऑफ अ बोन, बोन एंड मसल। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और फायर, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और फायर के केस में क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ द मेन स्विच, जो मेन स्विच होता है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4। लिस्ट सम ऑफ द कॉमन एक्सीडेंट डैट मे हैपन इन द
फॉलोइंग प्लेसेस। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, जो ये प्लेसेस दिए हुए हैं इन प्लेसेस पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। ओके, नेक्स्ट गिवन ब्लो आर सम ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल्स डेट यू मस्ट फॉलो, राइट द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमने चैप्टर में सिग्नल्स से रिलेटेड जो भी स्टडी की थी, सिग्नल्स के नेम जो हमने पढ़े थे, वो आपको यहाँ पे किसके लिए, जो ये सिंबल है ये किसके लिए यूज़ होता है, ये यहाँ पे आपको फिल करने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माइसेल बाला मैम फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। नाउ वी स्टार्ट अवर मैथ ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 5th। एंड डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास वी हैव डन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 3। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4 to 12 वी हैव वर्ड्स प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डन ओनली 4 क्वेश्चन, 4, 5, 6 and 7। एंड अवर क्वेश्चन नंबर 4th इज द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन 1995 वाज 87,75,998, व्हाइल इन द ईयर 2015 द पॉपुलेशन वाज इंक्रीज अप टू 2,75,70,903। व्हाट वाज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। 1995 में पॉपुलेशन थी 87,75,998, 2015 में वो पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 2,75,70,903। तो क्वेश्चन में पूछा है इंक्रीज कितनी हुई। सो अवर स्टेटमेंट इज द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन 1995 87,75,998। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन 2015 में हो गई 2,75,70,903। पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन में कितनी इंक्रीज हुई, तो जितनी 2015 थी उसमें हम 1995 का माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम 2,75,70,000 में 903 में से 87,75,998 को माइनस कर देंगे। बेटा देखा, 3 में से 8 माइनस नहीं होता तो हम कैरी लेंगे, 0 के पास ऑलरेडी नंबर नहीं है तो हम 9 से कैरी लेंगे। यहाँ पर 8 लेफ्ट बचा, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से कैरी 3 को दी, यहाँ पर 9 और ये हो गया 13। 13 में से 8 माइनस किया 5, 9 में से 9 माइनस किया 0। देखिए बेटा, अब 8 में से 9 माइनस नहीं होता तो हम 0 के पास गए, 0 के पास कैरी नहीं है तो 7 से हमने कैरी ली, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10, 10 ने कैरी दी तो 9 बच गया और ये चेंज हो गया 18 में। अब 18 में से 9 माइनस किया 9, 9 में से 5 माइनस किया 4, 6 में से 7 माइनस नहीं होता तो हम 5 से कैरी लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट बचा 4, ये हो गया 16, 16 में से 7 माइनस किया 9, 4 में से 7 माइनस नहीं होता हम यहाँ से कैरी लेंगे 6, ये 14, 14 में से 7 माइनस किया 7, 6 में से माइनस नहीं होता 8 तो हम 2 से कैरी लेंगे, 2 के पास लेफ्ट बच गया 1 और ये हो गया 16, 16 में से 8 माइनस किया 8 और 1 एज इट इज। तो बेटा 1995 में हमारे पास जो पॉपुलेशन थी 87,75,998, जो इंक्रीज हुआ था इसमें 2015 में वो था 1,87,94,905। आई थिंक यू अंडरस्टैंड अवर क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 5th। एंड क्वेश्चन नंबर 5th इज इन एन इलेक्शन द फर्स्ट कैंडिडेट गेट, इलेक्शन हुए थे उसमें फर्स्ट कैंडिडेट को जो वोट मिले थे वो थे 1,82,602 वोट, व्हाइल द विनर कैंडिडेट गेट्स 3,72,908। और जो विनर कैंडिडेट था जिसने इलेक्शन जीता उसको वोट मिले थे 3,72,908। फाइंड हाउ मेनी वोट डज द विनिंग कैंडिडेट गेट एक्स्ट्रा। तो हमें फाइंड करना है जो विनर कैंडिडेट था उसको एक्स्ट्रा कितने वोट मिले थे। सो अब हमारी स्टेटमेंट होगी, फर्स्ट कैंडिडेट गेट्स वोट 1,82,602, विनर कैंडिडेट गेट्स वोट 3,72,908। तो विनिंग कैंडिडेट गेट एक्स्ट्रा वोट, कितनी वोट एक्स्ट्रा मिली थी उसको, तो हम 3,72,908 में से 1,82,602 को माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो हमारे पता चल जाए उसको कितनी एक्स्ट्रा वोट मिली। तो 8 में से 6 को माइनस किया, 2 को माइनस किया 6, 0 में से 0 माइनस किया 0, 9 में से 6 माइनस किया 3, 2 में से 2 माइनस किया 0,
एंड 7 में से 8 माइनस नहीं होता तो हम 3 से कैरी लेंगे, यहाँ पर लेफ्ट बच गया 2, ये हो गया 17। 17 में से 8 माइनस किया 9, 2 में से 1 माइनस किया 1। तो बेटा जो विनर कैंडिडेट था उसको फर्स्ट कैंडिडेट से जो एक्स्ट्रा वोट मिले थे वो थे उसके 1,90,306। ओके, नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 6। इन ए कोल्ड स्टोरेज 35,36,78,512 केजी ऑफ पोटैटो वर स्टोर। एक कोल्ड स्टोर है तो जिसमें पोटैटो स्टोर किए हुए थे ताकि खराब ना हो। द फार्मर टुक ऑफ, एक किसान है जो उन्होंने उसमें से कुछ पोटैटो यूज करने के लिए निकाल लिए। अब वो कितने निकाले? 35,12,36,902 केजी ऑफ पोटैटो। हाउ मच केजी ऑफ पोटैटो वर लेफ्ट इन कोल्ड स्टोरेज, तो पोटैटो कितने लेफ्ट बचे जो स्टोर में थे। ओके स्टूडेंट्स, एंड अवर स्टेटमेंट इज टोटल पोटैटो इन कोल्ड स्टोर। कोल्ड स्टोर में टोटल कितने पोटैटो थे? 35,36,78,512 केजी। द फार्मर टुक ऑफ, किसान ने कितने उसमें से यूज करने के लिए निकाले? 35,12,36,902 केजी उसने निकाल लिए। पोटैटोज लेफ्ट इन कोल्ड स्टोरेज, अब टोटल कितने उसमें लेफ्ट बचे, मतलब जितने थे टोटल में से उन्होंने कुछ निकाल लिए, अब लेफ्ट कितने बचे? लेफ्ट है तो इसका मतलब बेटा हम क्या करेंगे? माइनस। सो नाउ वी सब्ट्रैक्ट, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम ये सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे। अब माइनस करेंगे, केजी का हम एज इट इज केजी राइट कर देंगे। 2 में से 2 माइनस किए 0, 1 एज इट इज। देखिए बेटा 5 में से 9 माइनस नहीं होता तो हम 8 से कैरी लेंगे, यहाँ पर 7 लेफ्ट बच गया। और ये जो चेंज हो गया 15 में, 15 में से 9 माइनस किया 6, 7 में से 6 माइनस किया 1, 7 में से 3 माइनस किया 4, 6 में से 2 माइनस किया 4, 3 में से 1 माइनस किया 2, 5 में से 5 माइनस किया 0, 3 में से 3 माइनस किया 0। तो अब हमारे पास स्टोर में कितने पोटैटोज बचे बेटा? 24,41,610 केजी लेफ्ट बचा। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 7। एक कंपनी है जो प्रॉफिट करती है 2012 में 17,75,576 और रिड्यूस, और वह जो प्रॉफिट होता है 2013 में घट जाता है, तो घट के कितना होता है? 15,32,987। तो अब उसका जो प्रॉफिट रिडक्शन हुआ वो कितना घटा उसका, मतलब कि पहले प्रॉफिट था उसको 17,35,576, 2013 में हुआ 15,32,987, तो वो घट के कितना घटा? तो हमें रिडक्शन पूछा है तो हम क्या करेंगे? माइनस। सो वी माइनस, अब हम इसको माइनस कर देंगे। 6 में से देखिए बेटा 7 माइनस नहीं होता तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर बच गया 6, ये चेंज हो गया 16। 16 में से 7 माइनस किया 9, अब 6 में से 8 माइनस नहीं होता तो हम 5 से कैरी लेंगे 4, और ये हो गया 16। 16 में से 8 माइनस किया 8, 4 में से 9 माइनस नहीं होता तो हम 5 से कैरी लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट बचा 4, ये हो गया 14। अब 14 में से 9 माइनस किया 5, 4 में से 2 माइनस किया 2, 3 में से 3 माइनस किया 0, 7 में से 5 माइनस किया 2, 1 में से 1 माइनस किया 0। तो बेटा जो प्रॉफिट रिडक्शन हुआ था वो था हमारे पास 2,02,589। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास we have done our chapter 3 reading exercise and its question answer. So students, now in this class we will start our chapter 4. Our chapter name, Great People, Great Deeds. So let's we start. Have you heard about Guru Nanak? Kya tum Guru Nanak ke bare mein jante ho? Well, गुरु नानक इज अ ग्रेट संत ऑफ द सिख। अच्छा, गुरु नानक एक बहुत महान संत है। किस कौन से धर्म के? सिख धर्म के। वंस ही वेंट टू अ विलेज विद हिज डिस्प्लीज। डिस्प्लीज का मतलब होता है शिष्य। एक दिन
वह अपने सिस्टर के साथ एक विलेज में गए. द पीपल वेलकम्ड हिम, दे इंटरटेन्ड हिम एंड हिज डिस्प्लेस वेरी वेल. पीपल ने उनका वेलकम किया, एंड इंटरटेन का होता है मनोरंजन, उनका मनोरंजन किया और उनके शिष्यों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा. वैन गुरु नानक गोट रेडी टू लीव द विलेज, जब गुरु नानक उस विलेज से जाने के लिए तैयार हो गए, उस गांव से जाने के लिए तैयार हो गए, द पीपल ऑफ द विलेज आस्क द गुरु टू ब्लेस देम. वहाँ उस गांव के लोगों ने बोला कि गुरु नानक संत से कहा कि हमें कुछ आशीर्वाद देकर जाए. एट दिस द गुरु सैड, आई प्रे दैट यू ऑल गेट डिस्प्रेस्ड फ्रॉम दिस प्लेस. डिस्प्रेस्ड का मतलब होता है तितर बितर. गुरु नानक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रे करता हूँ कि तुम एक गांव, इस गांव से क्या हो जाओ, तितर बितर हो जाओ, मीन्स गांव से आगे तरक्की करो, गांव से निकल कर आगे जाओ. Nobody could understand the meaning of his blessing. लेकिन कोई भी इस blessing की, इस आशीर्वाद का मतलब नहीं समझ पाया. The next day, the guru reached another village. अगले दिन गुरु दूसरे विलेज में गए. The people of this village were very weak and cunning. Weak का मतलब होता है तेज और cunning का मतलब होता है चलाक. वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तेज थे और चलाक थे. They rebuked the great guru and his displays. Rebuke का मतलब होता है डांटना. उस गांव के लोगों ने गुरु नानक और उनके शिष्यों को डांटा, रोक लगाई कि तुम इस गांव में मत आओ. They did not offer even water to them. उन्होंने उनको पानी तक के लिए भी नहीं पूछा. While departing from this village, departing का मतलब छोड़ना. जब वो गुरु नानक उन विलेज को छोड़ने लगे, द गुरु ब्लेस्ड द पीपल विद दीज वर्ड्स. गुरु ने वहाँ के लोगों को आशीर्वाद दिया इन शब्दों में, आई प्रे दैट यू डोंट हैव टू लीव यूअर प्लेस फॉर एवर. मैं प्ले करता हूँ कि तुम इस जगह को, इस गांव को कभी भी ना छोड़ो. नोबडी कुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस ब्लेसिंग टू. उस गांव के लोग भी इस आशीर्वाद का मतलब नहीं समझ पाए. देन वन डिसिप्लिन ऑफ द गुरु आस्क हिम. तब एक शिष्य ने गुरु से पूछा, वाई हैव यू ब्लेस्ड द गुड पीपल टू लीव देयर विलेज एंड द बैड वंस टू कंटिन्यू टू लीव एट देयर प्लेस. आपने जो अच्छे पीपल थे, अच्छे गांव के लोग थे, उनको गांव छोड़ने का आशीर्वाद दिया और जो बुरे पीपल थे उनको उन्हीं गांव में रहने का आशीर्वाद दिया, ऐसा क्यों? द गुरु एक्सप्लेन दैट गुड पीपल आर लाइक फ्लावर. गुरु ने बताया कि जो अच्छे लोग होते हैं वो एक फूल की तरह होते हैं. द मोर दे विल स्प्रेड, द मोर They will spread their fragrance. Fragrance का मतलब होता है खुशबू. वो जहाँ भी जाएंगे तो वो अपनी अच्छाई के क्या करते हैं, खुशबू बिखेरते जाते हैं. तो इसलिए उनको एक उस जगह को छोड़ने का आशीर्वाद दिया गया था. While the bad people shall be stopped from spreading their sins and weakness. Sins का मतलब होता है पापी और weakness का मतलब होता है दुष्टता. और जो बैड पीपल होते हैं, बुरे लोग होते हैं, वो अपने पाप और दुष्कर्म ही फैलाते हैं. तो इसलिए उनको उसी जगह पर रहना चाहिए ताकि दूसरे लोग उससे बुरी शिक्षा ना ले सकें. दिस इंसिडेंट रिलेट्स टू द 18th सेंचुरी फ्रेंड्स. यह घटना लगभग 18th सेंचुरी फ्रेंड्स की है. वंस अ रॉयल कैरेज स्टॉप्ड इन अ फ्रंट ऑफ अ स्कूल. कैरेज का मतलब होता है गाड़ी. जब एक गाड़ी स्कूल के सामने क्या हुई, रुकी. एज द कैरेज स्टॉप्ड द एम्पीरियर ऑफ द फ्रेंड्स स्टेप्ड आउट. जब ही वो गाड़ी रुकी, उसमें से एम्पीरियर का मतलब होता है सम्राट, फ्रांस का सम्राट है वो, आया. ही लुक्ड अराउंड एंड वेंट नियर एन ओल्ड वुमेन. उसने स्कूल के चारों तरफ देखा और वह
ओल्ड वुमेन के पास चला गया। सी वाज सेलिंग फ्लावर्स, वह क्या कर रही थी, फ्लावर्स बेच रही थी। द एम्पीरियर टुक आउट अ कॉइन एंड सेड टू हर, एम्पीरियर सम्राट ने कुछ कॉइन निकाले और उससे कहा प्लीज टेक इट, कृपया आप इसे ले लीजिए। आई ऑन दिस मनी टू यू, यह मनी आपकी है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। आई कुड नॉट पे इट अर्लियर, अर्लियर का मतलब होता है पहले, मैं इसे पहले पे नहीं कर सका। आई हैड बोथ अ बकेट ऑफ फ्लावर ऑन माई फादर्स बर्थडे फ्रॉम यू व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, मैंने आपके, बकेट का मतलब होता है गुलदस्ता, मैंने आपकी शॉप से एक फ्लावर फूलों का गुलदस्ता लिया था अपने पिता के जन्मदिन पर, और उस टाइम पे जब मैं एक इस स्कूल में पढ़ता था और एक स्टूडेंट था। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ रीडिंग ऑफ 4 चैप्टर एंड यू ऑल्सो रिवाइज दिस रीडिंग ऑफ 4 चैप्टर इन योर बुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी इंडिया अध्यापिका एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा 5 का पार्ट 4, आदमी और जंगल। सबसे पहले हम लेसन रीड करेंगे, उसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, पाठ का नाम क्या था, आदमी और जंगल। जंगल में चारों ओर हरियाली थी, पेड़ पौधे फल फूलों से लदे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, हर तरफ सुख और शांति का वातावरण था। अचानक जंगल में भगदड़ मच गई, हवाओं का चलना भी बंद हो गया, सभी पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। अरे ओ खरगोश भाग, जंगल में एक अजीब सा प्राणी घुस आया है, भालू ने कहा। तो क्या वह हमारे राजा शेर से भी ताकतवर है, खरगोश ने पूछा। बातें बंद करो, जान बचानी है तो भागो, भालू ने फिर चेतावनी दी। इतने में बूढ़ा हाथी भागता हुआ दिखाई दिया। खरगोश ने उसे रोककर पूछा, दादा आपने उस अजीब प्राणी को देखा है, कैसा दिखता है वह। हाथी ने गुस्से में कहा, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, आखिर कौन था वह विचित्र प्राणी, इसके दो हाथ और दो पैर थे, बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर कान थे। बच्चों, वह और कोई नहीं, हमारे जैसा एक आदमी था जिसने आज पहली बार जंगल में कदम रखा था। तभी हिरनी के बच्चे ने उस विचित्र आदमी को देखकर पूछा, माँ यह डरावना सा दिखने वाला प्राणी कौन है। अभी बच्चे के की बात मुंह में ही थी कि धाय की आवाज़ के साथ ही उस मासूम हिरण के बच्चे के प्राण उड़ गए। हिरनी ममता भरी आंखों से दूर खड़ी अपने बच्चे के शरीर को उस प्राणी द्वारा घसीटकर ले जाते हुए देख रही थी। इस तरह से इंसान ने मासूम जानवरों को मारा, फिर अपनी आवश्यकताओं के लिए जंगल के जंगल तबाह किए, पशु पक्षी भूखे प्यासे मरने लगे। इस भूख और प्यास ने आदमी को भी बेहाल कर दिया। अब तो जंगल की रक्षा का सारा भार जंगल के राजा शेर पर आ गया। सबने मिलकर एक निर्णय लिया कि सुबह उस आदमी के आने पर उससे खुलकर बातचीत होगी। सुबह सवेरे एक आदमी लकड़ी काट रहा था, दूसरा तीर कमान के लिए शिकार की ताक में, तीर कमान लिए शिकार की ताक में था। राजा शेर अचानक उनके सामने खड़ा हुआ और पूछा, क्यों जंगल को तबाह कर रहे हो, मेरे साथियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उन्हें ख़त्म करने पर तुले हुए हो। तुम जानते नहीं ये जंगल हमारी धरोहर है, आज हम तुम्हें दंड देंगे तुम्हारी इस कृतघ्नता का। शेर के भय से कांपता मानव हाथ जोड़कर दंड के बारे में सोचते हुए बोला, हम दंड के अधिकारी हैं, पर क्या आप हमें माफ़ कर सकते हैं, बदले में जो भी कहेंगे हम वह करने के लिए तैयार हैं। शेर सिंह ने सजा सुनाई, आज से शिकार बंद और बीज लेकर अधिक से अधिक पेड़ उगाओ तथा उनकी देखभाल करो, जब तक वृक्ष बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम्हें दंड से मुक्ति नहीं मिल सकती। मनुष्य की जान बची, उसने खुशी खुशी शेर सिंह की बात को स्वीकार किया, प्रण किया कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर
जंगल को फिर से हरा भरा बनाएंगे ताकि जंगल के प्राणी अपने नीडों का निर्माण कर अपने जीवन जी सके। वे कमजोर व निरीह प्राणियों का शिकार अपनी क्षुधा को शांत करने हेतु नहीं करेंगे। तो बच्चों आपके समझ में आया या किस बारे में बात हो रही है कि किस तरह से जो मनुष्य है वो जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, लकड़ी काटता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उससे जंगल के सभी जो प्राणी है वो उनका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है और मनुष्य का स्वयं का जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, हमारे वातावरण को स्वच्छ करते हैं, वर्षा लाने में सहायक है और हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं देते हैं। तो मनुष्य को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ उगाने चाहिए। अब हम इस पाठ के अभ्यास करेंगे। तो बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, हिरणी की ममता भरी आंखें क्या देख रही थी? उत्तर होगा, हिरणी की ममता भरी आंखें अपने बच्चों के शरीर को उस प्राणी द्वारा घसीटकर ले जाते हुए देख रही थी। अगला प्रश्न है, पशु पक्षी भूखे प्यासे क्यों मरने लगे? उत्तर होगा, क्योंकि इंसान ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगल के जंगल तबाह कर दिए, इस कारण पशु पक्षी भूखे प्यासे मरने लगे। अगला प्रश्न है, शेर ने शिकार की ताक में खड़े आदमी से क्या प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न किया? उत्तर होगा, शेर ने आदमी से पूछा, क्यों जंगल तबाह कर रहे हो? मेरे साथियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उन्हें खत्म करने पर तुल गए हो? तुम जानते नहीं ये जंगल तुम्हारी धरोहर है। अगला प्रश्न है, मानव शेर से माफी क्यों मांग रहा था? उत्तर होगा, शेर के भय के कारण मानव शेर से माफी मांग रहा था। अगला प्रश्न है, मानव ने शेर सिंह की बात स्वीकार कर क्या निर्णय लिया? उत्तर होगा, मानव ने निर्णय लिया कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जंगल को हरा भरा बनाएंगे। तो बच्चों ये आपने पाठ पढ़ा, आदमी और जंगल, और आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने अभ्यास भी कराए हैं, आप सभी को ये अभ्यास अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं, याद करने हैं। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।